हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर ताज नगरी आगरा में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह भंडारे का आयोजन भक्तों द्वारा किया जा रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर बिलनगंज स्थित रघुनाथ ईश्वर हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। यह मंदिर 75 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की मान्यता काफी मानी जाती है। कोविड-19 महामारी के 2 वर्ष के बाद भंडारे का आयोजन मंदिर में किया गया। इस कार्यक्रम में सोनू अग्रवाल, बबलू महंत, पूरन यादव, अश्वानी जैन आदि लोग उपस्थित रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। भंडारे का आयोजन 2 वर्ष बाद मौका आया है, सबका कहना था। पहले तो सभी मैं शहरवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज पूजा अर्चना करी है और सभी लोगों के लिए दुआ करी है। ये महामारी जैसे ये खत्म हुई है और 2 साल बाद ऐसे भंडारे आज देखने को मिले हैं और जनता में, पब्लिक में भारी भंडारों को देखे उत्साह है और बहुत बढ़िया तरीके से भक्तगणों में अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा नाम पूरन सिंह यादव है। ये जो मंदिर है हमारे बड़े भाई थे उनका है और ये 75 जो भाई साहब ने पंडित ने बताया इसको हो गई हुआ और ये सर्व जो सर्व सम्मान की यहाँ का बाजार का है उनका भंडारा है और भंडारे और धर्म के काम करने से आँख बल मजबूत होता है और आँख बल से शरीर मजबूत होता है और शरीर से देश और प्रदेश का विकास होता है। इसलिए धर्म और पुण्य के काम हमेशा होते रहने चाहिए। इससे हमारा संस्कृति को याद रहती है और इसमें बढ़ावा मिलता है। क्या नाम है फिर से भंडारे का आयोजन हो रहा है हनुमान जयंती? नरेंद्र शर्मा मेरा नाम है, मेरा सेवा बात करते हैं हम। ये पावन अवसर पर जो हनुमान जयंती का पावन अवसर है उसके अवसर पर हर साल यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। आकर्षक श्रृंगार, फूल बंगला, विद्युत सजावट और सभी भाई बहनों का प्रसाद। लगभग कितना पुराना मंदिर है? करीब ये 75 साल पुराना है। 75। 2 वर्ष बाद ऐसा मौका आया, कैसा उत्साह देखा जा रहा है? उत्साह अपने आप में निराला उत्साह है। बाबा की सेवा करने का पूरा मौका मिला। जो लोग क्या नाम है घरों में कैद होकर रह गए थे इस कोविड महामारी की वजह से, उसके बाद में जो मौका आया लोगों के लिए, तो जो उत्साह का माहौल है, बाबा का पावन जन्मदिवस होता है आज घर घर में, क्या नाम है पूरे आगरा में नहीं पूरे भारतवर्ष में बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें जो है सारे लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। यहाँ पर भी जो कार्यक्रम हो रहा है वो सब लोगों के सहयोग से हो रहा है, लोग सहयोग को तत्पर हैं।